जी हाँ, हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो यार? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं एक नया ट्रिक लेके आया हूँ जो कि शॉर्ट वीडियो वायरल होने में बहुत ज़्यादा मदद होती है, यानी कि 100% वायरल हो जाती है वीडियो आपकी। जैसे कि आप शॉर्ट वीडियो बहुत अपलोड करते होंगे कहीं जगह से, YT स्टूडियो से, यूट्यूब से, और आप उसमें सेटिंग नहीं ऑन करते हैं जिससे आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं होती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैसे कि आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब से, जैसे प्लस आइकन पर दबा के शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देते हैं पब्लिक पे, और आपके शॉर्ट वीडियो में व्यू नहीं आता है, यानी कि शॉर्ट वीडियो आपके शॉर्ट फीड में नहीं फंसती है। तो यूट्यूब का मानना यह है कि यूट्यूब में ऐसा शॉर्ट वीडियो अपलोड करो जो कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक पे हो, जिससे आपके चैनल पे ज़्यादा व्यू आए और वायरल हो जाए आपकी शॉर्ट वीडियो। तो आप वीडियो को अपलोड करते समय ये गलतियाँ मत करिए, और जो मैं बताता हूँ वो ध्यान से देखिए और सुनिए। जैसे कि शॉर्ट वीडियो आप अपलोड करते हैं यूट्यूब से, तो क्या कहते हैं, वहाँ पब्लिक पे नहीं करना है, अनस्टार पे पब्लिक अपलोड करना है। उसके बाद आप जाके YT स्टूडियो में अपना सेटिंग सारा ऑन कीजिए, उसके बाद आपका शॉर्ट वीडियो वायरल होगा। तो अपलोड हो जाने के बाद YT स्टूडियो को ऑन कीजिए, फिर उसके बाद आपको कंटेंट में जाना है। फर्स्ट नंबर पे आपका वीडियो दिखेगा, उसको आप एडिट कीजिए। एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले उसमें टाइटल लिखना है। टाइटल ट्रेंडिंग टॉपिक का होना चाहिए, जो कि आपका वीडियो जैसा कैटेगरी का हो उसी कैटेगरी का ट्रेंडिंग टॉपिक पे आप टाइटल लिखिए, और कोशिश करिए हैच शॉर्ट वीडियो जरूर उसमें लिखिए। टाइटल में हैच शॉर्ट वीडियो लिखिए, फिर कामा कीजिए, फिर हैच शॉर्ट लिखिए, फिर कामा कीजिए, ट्रेंडिंग टॉपिक लिखिए, उसके बाद कॉमेडी लिख के छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आपको अपने वीडियो में थंबनेल लगाना है, जो थंबनेल ऐसा लगाना है क्योंकि लोगों को आकर्षित दिखे। तो आपको वीडियो में थंबनेल लगाने के लिए आपने कॉलम पे, वीडियो के ऊपर कॉलम बना है वहीं पे क्लिक कीजिए। उसके बाद अपने वीडियो में जो अच्छा दृश्य दिखे वहीं पे आप शो कीजिए, और फिर छोड़ दीजिए। तो स्विप करके छोड़ देंगे तो आपका थंबनेल लग जाएगा, जिससे आपका शॉर्ट वीडियो वायरल होने में ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका शॉर्ट वीडियो ज़्यादा शॉर्ट फीड में जाए, क्योंकि ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे तभी शॉर्ट फीड में जाएगा। फिर उसके बाद आपको लिखना है डिस्क्रिप्टिव लिंक। डिस्क्रिप्टिव लिंक में आपको जो टॉपिक, जो हेडिंग लिखा है आपने टाइटल में, वही हेडिंग आपको लिखना है डिस्क्रिप्टिव लिंक में, और हैश टैग लगाना है तकरीबन 10 या 15 हैश टैग लगा के, उसके बाद आपको पब्लिक अनइंस्टॉल से नीचे आइए और आप अपना लोकेशन चेंज कीजिए। लोकेशन चेंज करने के लिए आपको, जैसे आपको वीडियो, अपने वीडियो कहाँ पर रन करवाना है, इंडिया या यूपी या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कहीं भी जगह का लोकेशन दे दीजिए। उसके बाद आपको आना है कैटेगरी में, आपका वीडियो किस टाइप का है उस टाइप का कैटेगरी आप चुनिए, जैसे कॉमेडी के या इंटरटेनमेंट के लिए या व्लॉग ब्लॉग के लिए, जैसा कैटेगरी का वीडियो है उसी कैटेगरी का आप चुनिए। उसके बाद आपको जाना है आइडियो रिमिक्स और वीडियो रिमिक्स में, तो आइडियो रिमिक्स पे ऑन करना है। फिर नीचे आपको जाना है, जैसे कि बच्चों के लिए वीडियो बना है या नहीं बना है, तो 18+ रेड की करके छोड़ दीजिए। फिर आप अनस्टार से पब्लिक करके वीडियो को अपलोड करिए, और आपका शॉर्ट फीड में वीडियो 1 घंटे में नहीं जाता है। फिर उसके बाद आपको दोबारा एडिट करना है, जैसे कि आपको अपना कैटेगरी दोबारा बदल देना है, जैसे कि आप कॉमेडी के तो इंटरटेनमेंट कीजिए, फिर उसके बाद अपलोड कीजिए। ये ट्रिक 100% काम आती है कि आप अपना कैटेगरी बार बार बदल सकते हैं, उससे आपकी कोई वीडियो पर दिक्कत नहीं होती है और वीडियो आपकी शॉर्ट फीड में जाती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं कैसा कैसा कर रहा था और कर रहा हूँ।